हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट ट्रेन ईट। आज मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कुछ डिफरेंट फॉर्म पे डिपेंड करता है। ये फॉर्म है कुछ स्पेशल फॉर्म जो कुछ ऐसे हैं, अगर कहीं ऐसा फॉर्म मिल जाता है fx पावर gx, अगर ऐसा फॉर्म मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं t और फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ है आपका इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स डीएक्स। अब ऐसे क्वेश्चन का अगर इंटीग्रेट करना है तो हमें इस तरीके के फॉर्म को मैच कराना पड़ेगा। यहाँ ये एफ एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, इसका फॉर्म आ गया। अगर ऐसा फॉर्म आ जाता है तो हम पुट करते हैं x पावर x इज इक्वल टू t। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग x पावर x इज इक्वल टू लॉग t, ठीक है। x बाहर आ जाएगा, x लॉग x इज इक्वल टू लॉग t, ये वन मान लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड एक्स, और इसका डिफरेंशियल कितना होगा, वन बाय एक्स प्लस सेकंड और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट वन, और उसके बाद डी एक्स इज इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा, वन बाय टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये कट गया, ये बन गया आपका कितना, इम्प्लाइज दैट वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स, और टी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी इज इक्वल टू डी टी, और टी कितना है ये, तो यहाँ बन गया एक्स पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऐसा रखने पे हमें समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें क्या है, इक्वल टू डी टी, इंटीग्रल ऑफ डी टी इज इक्वल टू टी प्लस सी। t कितना है, x पावर x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ इसको ऐसे भी कह सकते हो, ये चीज़ें जो हमने डी टी लिखा ऐसे भी कह सकते हो इंटीग्रल ऑफ, या आप इसे कह सकते हो डी डी एक्स ऑफ x पावर x, तो ये बराबर आपका x पावर x प्लस c आ जाएगा। तो इस तरह के फॉर्म में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है जो आईआईटी 2005 में पूछा गया है, पूछा गया था क्या है क्वेश्चन, ये है आपका इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स डी एक्स, ये है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको देख क्लियर हो रहा है क्या है, एफ एक्स पावर जी एक्स का फॉर्म है, ये आपका क्या हो गया एफ एक्स, ये क्या हो गया जी एक्स, सेम फॉर्म आ रहा। तो हम क्या करते हैं, पुट साइन एक्स पावर कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, अब अगर हम लॉग लेते हैं, लॉग साइन एक्स पावर cos x इज इक्वल टू लॉग t, इसको इधर ले आते हैं, cos x log x इज इक्वल टू दिस थिंग, इसको हमने वन मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसको फर्स्ट कर लेते हैं, cos x और log sin x का डिफरेंशियल वन बाय sin x और फिर sin x का डिफरेंशियल प्लस log sin x second और इसका differential minus sin x। अब इन सबको ब्रैकेट के अंदर बंद किया, dx is equal to 1 by t
ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, कॉस एक्स और कॉस वाई साइन कॉट हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो कुछ यही चीज़ आ रहा है। ये बन गया ऐसे कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय टी। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, अब इसको क्या करते हैं, डी टी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डी टी कितना है ये तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, ये हो गया आपका साइन एक्स पावर कॉस एक्स, ब्रैकेट में हो गया आपका कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस। अब यहाँ से देखना है ये जो है साइन एक्स लॉग साइन है, ठीक है, साइन की पावर थी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स पावर साइन एक्स टी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पूरी चीज़ हमारी क्या बन के आ गई, डी टी। अब डी टी आ गई तो हम इसको चाहे ऐसे लिख दें, इसका मतलब हुआ इंटीग्रल ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स पावर कॉस एक्स लिख दें तो आपका आंसर आ जाएगा, इतना ही आंसर आ जाएगा, ये बराबर क्या बन जाएगा, इक्वल टू साइन एक्स पावर कॉस एक्स प्लस सी, ये बन गया। या इसको हम इसके फॉर्म में लिख देते हैं तो हमें पता चल गया कि इन सब की जगह क्या लिखना है, डी टी। तो ये पूरी चीज़ें बन जाएंगी डी टी, यहाँ इंटीग्रल ऑफ डी टी इज इक्वल टू टी प्लस सी इज इक्वल टू साइन एक्स पावर कॉस एक्स प्लस सी। तो आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आप इसको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है और आपको ये दिख जाता है एफ एक्स पावर जी एक्स है, तो एफ एक्स पावर जी एक्स प्लस सी जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो आपको आंसर पहले से ही पता है, ये आई आई टी 2005 में पूछा गया था, तो आप खुद देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और इस पर कराता हूँ, ये भी आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये है इधर आपका थर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एक्स और टू एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स डीएक्स, ये दिया होगा। अब यहाँ पर भी अगर इसको हम ऐसे ब्रैकेट लगा दें तो ये एफ एक्स हो गए और जी एक्स हो गया, ऐसा फॉर्म बन गया। जब ऐसा फॉर्म बन जाता है तो आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, क्या तरीका यूज कर सकते हैं, इसको टी मान लीजिए पुट एक्स पावर एक्स इज इक्वल टू टी, लॉग लेंगे तो लॉग एक्स पावर एक्स इसकी पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग टी, ऐसा बन गया एक्स, ये एक्स जो है इधर आ जाएगा एक्स लॉग एक्स पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग टी। अब ये भी एक्स इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग टी, ये हो गया फर्स्ट। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय टी, ये हो गया। अब यहाँ से एक एक्स कट जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया यहाँ से x प्लस टू एक्स लॉग एक्स ब्रैकेट बंद, ये टी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और टी क्या है x पावर x dx इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब ये पूरी चीज़ें बराबर क्या हो जाएंगी, डी टी। जब ये हो जाती है तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू, ये आपका बन गया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
डी टी इज इक्वल टू टी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स प्लस सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ से आर इंटीग्रल ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एक्स पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है जिस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है कि एक्स पावर एक्स कौन सा है, उसके हिसाब से आप इस फॉर्म को कर सकते हैं। बाकी दो और क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट फॉर्म के हैं, उसको कराता हूँ आपको। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, अगर कहीं ऐसा दिया हो वन प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई आपका है एक्स वन माइनस एक्स पावर टू और ई पावर टू साइन एक्स डी एक्स ऐसा दिया हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं तो इनमें क्या करते हैं हम कि जो अंदर की क्वांटिटी होती है ये जो भी है इसको हम पी मान लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं पुट वन माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर टू साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसको उधर ले जाते हैं इसको उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर टू साइन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टी। फर्स्ट हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, चलो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस तो ई पावर टू साइन एक्स फिर डी डी एक्स ऑफ दिस क्या हो जाएगा टू और साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ई पावर टू साइन एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस टू एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। इसको थोड़ा सा कंबाइन करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और ई पावर टू है, देखिए ये और यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे तो टू एक्स ई पावर टू साइन एक्स हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा हमारा यहाँ से एक्स बचेगा यहाँ भी एक्स कॉस एक्स प्लस उधर एक्स बचेगा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो हमारा अच्छा यहाँ x कॉमन लिया यहाँ वन बचा वन तो वन प्लस एक्स कॉस एक्स हमारा आ गया डी एक्स भी आ गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट वन प्लस एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी डिवाइडेड बाय टू एक्स ई पावर टू साइन एक्स, ये है तो रख देते हैं इसकी वैल्यू, ये बन जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टू इधर निकाल देते हैं और माइनस को इधर ही निकाल देते हैं बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ हो गया एक्स ई पावर टू साइन एक्स और ये वाला एक्स और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम टी वन माइनस टी है सॉरी ये है आपका इतने इतने की वैल्यू क्या है टी है ठीक है टी ही लिखा था हमने ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो माइनस वन बाय टू इंटीग्रल ऑफ अब यहाँ एक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा तो डी टी बाय एक्स स्क्वायर ई पावर टू साइन एक्स इंटू टी ये हो गया और एक्स स्क्वायर ई पावर टू साइन एक्स कितना है वन माइनस टी तो रख देते हैं वन बाय टू इंटीग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय वन माइनस टी टी ये हो गया। इसको थोड़ा सा हम तोड़ देते हैं इंटीग्रल ऑफ क्या लिख सकते हैं अगर दोनों को ऐड कर देते हैं मीन्स डी टी बाय वन माइनस टी प्लस इंटीग्रल ऑफ वन डी टी बाय टी बन जाएगा हमारा क्योंकि अगर हम कहीं लिखते हैं जैसे वन बाय वन माइनस टी प्लस वन बाय टी तो ये बनेगा कितना t प्लस वन माइनस टी बाय टी और वन माइनस टी ऊपर वन रह गया सेम चीज़ें आ गई इसीलिए हमने इसको तोड़ दिया दो पार्ट में। ठीक है, जब ये चीज़ें हमारी आ जाती हैं अब हमें पता है इंटीग्रल ऑफ
अगर कहीं डी एक्स बाय एक्स लिखा होता क्या होता है एल एन एक्स, ये हो जाएगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन बाई टू बाहर ही रहेगा, इसको लिख देंगे एल एन वन माइनस टी और डी डी एक्स ऑफ इसका, तो यहाँ माइनस लग जाएगा और प्लस एल एन टी एम माइनस एल, तो टी बाय दिस हो जाएगा, या इस माइनस को अंदर ले जाते हैं इम्प्लाइज दैट माइनस अंदर ले जाएंगे, तो यही लिख देता हूँ, तो ये माइनस हटा, यहाँ प्लस हुआ और यहाँ माइनस हो गया, इज इक्वल टू वन बाय टू एल एन वन माइनस टी बाय टी प्लस सी। ठीक है, अब टी की वैल्यू हमारे पास वहाँ पे है, हम वैल्यू रख देंगे देखिए इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ और एल एन वन माइनस टी कितना दिया है इतना आपका एक्स स्क्वायर ई पावर टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय टी वन माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर टू साइन एक्स और प्लस सी, इसको ऐसा भी ले सकते हैं, इसको अंदर ले जाएंगे और इसको रूट में डाल देंगे, ये हो गया आपका। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको पहले से प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें कहाँ पे अप्रोच करना पड़ेगा, अगर आपका अप्रोच सही नहीं रहेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, अगर कहीं ऐसा दिया हो इंटीग्रेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स अंडर रूट एक्स पावर फोर प्लस वन डी एक्स, अगर ऐसा दिया हो तो ऐसी केस में क्या करते हैं, जो पावर जितनी ऊपर है नीचे में उतनी लाने को जिससे कैंसिल हो जाए, तो अब यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स बाहर आएगा, तो कर लेते हैं ये इंटीग्रेट ऑफ, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, नीचे एक्स है यहाँ से एक्स और आएगा एक्स स्क्वायर, अंदर में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ये दोनों कट गए, ये बन गया आपका इंटीग्रल ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे फॉर्म में इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कर लो, प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, तो इसको हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ऐसा कुछ देखना है कि क्या रखा जाए, अगर हम x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, पहले समझते हैं, अगर इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन अगर माइनस रखते हैं तो ये आ जाएगा, इसका मतलब इसको इसके पार्ट इसके स्क्वायर के पार्ट में तोड़ जाए, तो वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, इसको ऐसे लिख देते हैं x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, माइनस टू आएगा तो हम प्लस टू का, प्लस टू को रूट टू लिख के इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये थोड़ा हमारा क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन गया। अब पुट एक्स माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू टी, तो वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इतने पूरी की जगह पर हम डी टी रख देंगे, तो यहाँ हमारा क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देते हैं, टी हमने जो माना है वो रख देते हैं,
ये हो गया इक्वल टू एल एन मॉड एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, जब इसको रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा जो बना था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे जो हमने आपको बताए। अगले क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपसे मिलेंगे। तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।